इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वा बरकातुहू نحمدुहू व नुसल्ली अला रसूलिल्ह करीम अम्मा बाद फऔजू बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशराह ली صدری व यस्सर ली अमरी वाह़दतमल्लिसफ़क़हू कौली वजा अजसक रतलमऊ तबिल़ाल तमिन तहीद आ पहुँची मौत की सख्ती के साथ साथ हक के आ पहुँची मौत की सख्ती साथ हक के यही है जिससे तू भागता फिरता था मौत इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी के ख़ात्मे का नाम है दुनिया में जो भी इंसान आया है उसे एक दिन वापस ज़रूर जाना है ये इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा है जिसके बाद इस दुनिया से उसका ताल्लुक मुनकते हो जाता है और एक नई जिंदगी जो बरजख की ज़िंदगी कहलाती है वो शुरू हो जाती है क़्यामत के जलजले के साथ ही ये ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी फिर एक नया दौर शुरू होगा जिसकी कामयाबी और नाकामी का इसार इंसान के अपने अमाल पर होगा हम में से कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कब आएगी लेकिन हम सब उसी दिन की तरफ दौड़ रहे हैं ऐसी सूरत हाल में असल करने का काम उस दिन की तैयारी करना है ताकि उसके बाद जब हम मालिक के कायनात के सामने पेश हों तो कोई शर्मिंदगी ना हो मौत के बाद इंसान अकेला रह जाता है मौत इंसान को हर चीज़ से जुदा कर देती है मौत हर इंसान का पीछा कर रही है मगर इंसान उसी ही भूले हुए है ज़रूरत इस बात की है कि हम इस आखिरी वक्त को रोज़ाना याद करें और उसकी तैयारी में लगे रहें वजा अजसक अच्छा बिल हक अक़ कमा कमाक तमिन तहीद ये सूरत क़ाफ की आयत नंबर उन्नीस है जिसमें इंसान से ख़िताब है कि इंसान खा कितनी भी लंबी ज़िंदगी चाहे लेकिन एक दिन मौत आ पहुंचती है सकरातुल मौत मौत की सख्तियाँ मौत की बेहोशियाँ मौत की हकीकत को लेकर आ पहुंचती हैं और यही वो बात है जिससे इंसान भागता है मौत का जिक्र नहीं सुनना चाहता मौत से फरार हासिल करना चाहता है लेकिन मौत उसको आ पकड़ती है यहाँ बुनियादी तौर पर जानकुनी के वक्त इंसान की क्या हालत होगी उसको भी बयान किया गया है वजा अजसकरमा तबिलहक यानी हर इंसान के लिए मौत की सख्ती और शिद्दत और उसका चमटना और उसकी तकलीफ़ ये सब कुछ हक के साथ मिलकर आ चुका है और इसमें कोई शक नहीं और इसके साथ कोई झूठ नहीं है सकर क्या चीज़ है ये वो सख्ती है जो अक़ल को ख़त्म कर देती है सखर के बारे में राघब अल्सवहानी कहते हैं यह ऐसी हालत होती है जो इंसान और उसकी अकल के दरमियान हायल हो जाती है यानी इंसान की अक़ल मारी जाती है और अक्सर ये चीज़ नशा पैदा करने वाले मशरूब में इस्तेमाल की जाती यानी इंसान होश में नहीं रहता जैसे कोई ड्रंक हो गया हो सकर को ग़ुस्से के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है बस कहा जाता है कि गुस्से इश्क तकलीफ़ और उंग ने नशे में डाल दिया यानी इंसान की मत मारी गई और मौत ये वो गशी है जो तकलीफ़ से पैदा होती है कहते हैं यहाँ इससे मुराद मौत की सख्तियाँ हैं यानी मौत की सकरात मुराद है वो गशी जो तकलीफ़ से पैदा होती है यानी मौत की तकलीफ़ से गशी तारी हो जाती है क्योंकि रूह का खींचा जाना मौत की शिद्दत का उतरना रूह का रौंदे जाना शदीद तकलीफ़ का होना है और ये रौंदे जाना रूह का और ये तकलीफ़ मौत के वक्त नाजिल होती है मौत की ये सख्तियाँ हर इंसान को बेहोशी में डाल देती हैं और उसकी अकल ख़त्म कर देती हैं इंसान पर गालिब आ जाती हैं और बिलहक का माना है मौत की हकीकत को लेकर आ गई यानी साथ हक के आ गई यानी मौत एक हकीकत है जो हकीकत इस वक्त सामने आ गई एक और कौल है कि आख़रत का मामला बरहक है यहाँ तक कि वो इंसान के लिए मौत के वक्त वाजे हो जाता है उसको अपनी आंखों से देख लेता है एक और कौल यह भी है कि वो चीज़ हक है जिस तरफ इंसान का मामला लौट कर जाता है यानी खुशनसीबी की तरफ या बदबकी की तरफ तो बहरहाल मौत की सख्ती बरहक है इंसान जब तक जिंदा होता है उसके अकवाल उसके अफाल लिखे चले जाते हैं ताकि उन पर उसका मुहासबा किया जा सके फिर उसको मौत आ जाती है फिर ये वो मौत है जिसको वो हक के जाहिर होते ही देख लेता है यानी उसकी हकीकत सामने आते ही उसका मुशाह करता है और उसको उसी सूरत में देखता है जिस सूरत में अल्लाह ने उसका उससे वादा किया है और एक कौल ये भी है कि यहाँ हक़ से मुराद बज़ात खुद मौत है इसको हक इसलिए कहा गया है कि हर इंसान मौत का हकदार होता है या आखिरत के घर का जो कि बरहक है और उसकी तरफ उसको मुंतकिल होना है ज़ाल का माकुन तमिन तहीद यही वो चीज़ है यानी मौत जो हर जिंदा चीज़ की इंतहा है माकुन तमिन तहीद जिससे तुम भागते थे जिससे तुम कतराते थे अपनी ज़िंदगी में उससे फरार हासिल करते थे यानी कोई भी चीज़ जिससे ये इंसान को एहसास होने लगे कि इसको खाने से मौत आ सकती है या इस बीमारी से मौत आ सकती तो इंसान उससे भाग जाता है उसके करीब नहीं पटकता इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी होती है और हर उस चीज से इंसान भागता है जिससे मौत का उसको अंदेशा हो तो यही बात यहाँ कही गई कि यही वो चीज़ है जिसको पेश तो आना था लेकिन तुम उससे भागते रहे जब कोई बंदा किसी चीज़ से एक जानब होकर दूर चला जाता है तो उस वक्त कहा जाता है हा द अनिशई या ही दूह हई दतन तो बहरहाल इंसान जब मौत देखता है तो फिर ना भाग सकता है ना कोई मदद दे सकता है न उससे खलासी मुमकिन है इब्ने अब्बास इसका माना ये करते हैं कि यही वो चीज़ है जिसको तू नापसंद करता था हमें से हर शख्स मौत को नापसंद करता है और उसका सामना नहीं करना चाहता लेकिन मौत तो एक हकीकत है हर जान ने मरना है अल्लाह सुबहान तारा फरमाते हैं कुल्लफ मौत थुम्मा इलैना तुरजाउन हर जान मौत को चखने वाली है फिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे मौत का फरिश्ता मुकर कर दिया गया है सूरत सज्जा में आता है कुल या तो मलकुल मऊ तिली वुकिलुम तुरजाउन कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर किया गया है तुम्हारी जान कब्ज़ कर लेता है फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाते हो मौत से फरार मुमकिन नहीं है सूरत जुमो में आता है कुल इनमी तु ना शहादती फुम बेमो बिला शुबा वो मौत जिससे तुम भागते हो यकीनन वो तुमसे मिलने वाली है यानी इंसान जितना भी भाग ले। लेकिन वो तो सामने से आ रही है फिर तुम हर पोशीदा और जाहिर चीज को जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो यानी मौत किस लिए रखी गई ताकि ये देखा जाए कि मौत से पहले की जिंदगी में इंसान ने क्या काम किए हैं उनका हिसाब किया जाए और उस पर उसको जजा या सजा दी जाए कोई भी जी रूह मौत से नहीं बच सकता कोई भी सूरत अनसा में आता है अ नमा तक युद्रिक मऊत वाल तुम फी बुरु मुशैदा जहाँ कहीं भी तुम हो मौत तुम्हें आ ही लेगी खा तुम मज़बूत किलों में महफूज हो जाओ मौत वहाँ भी पहुँच जाएगी यानी कैसी भी खुराक खा लो कैसे भी घर में रह लो कैसे भी इलाज करवा लो कैसी भी सहूलतें तुम्हें मैसर हों लेकिन मौत जिस वक्त आनी है वो आ जाएगी कोई उससे बच नहीं सकता वलई यो अल्लाह नफसन इधा जा वाहबीर उम बे मलून और अल्लाह किसी जान को हरगिज मोहलत नहीं देगा जब उसका वक्त आ गया और अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है जो तुम कर रहे हो यानी तुम्हारे रोज़मर्रा के आमाल भी अल्लाह के सामने हैं अनस रजी अल्ला से रिवायत है वो कहते हैं कि फ़ातिमा रजी अल्लाह तह ने कहा जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की शिद्दत महसूस की जो भी महसूस की तो फातमा रजी अल्लाह अल्ला कहने लगी हाय तकलीफ़ नहाय मेरे बाप को तकलीफ़ हो रही है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरी बेटी तुम्हारे बाप पर वो वक्त आ गया है कि अल्लाह इससे किसी को भी छोड़ने वाला नहीं कयामत के दिन की मुलाकात के लिए क्योंकि अल्लाह से मुलाकात इसके बाद ही हो सकती है अम्बिया सारे के सारे दुनिया से चले गए रसूल वसल्लम ने फरमाया जिब्रील मेरे पास आए और कहा अः मोहम्मद वसल्लम जैसे चाहो ज़िंदगी गुजारो बिल आखिर तो मरना है जिसको चाहो अपना महबूब बना लो यकीनन तुझे बिल आखिर उससे जुदा तो होना है यानी एक न एक दिन वो सारी चीजें जिनको हम बहुत अजीज रखते हैं जो हमारी बहुत पसंदीदा हैं चाहे इंसान है या गैर इंसान वो सब को छोड़ना तो है ही मौत इंसान को घेरे हुए है अब्दुल्लह रजी अल्लाह कहते हैं कि नबी अलैहि वसल्लम ने एक स्क्वायर बनाया चार कोनों वाला खत खींचा फिर उसके दरमियान यानी सेंटर में हाफ हाफ करके एक खत खींचा जो उस स्क्वायर से बाहर निकल रहा था उसके बाद दरमियान वाले खत के उस हिस्से में जो चौकटे के दरमियान में था छोटे छोटे बहुत से खतूत खींचे अंदर उसके लकीरें लगाई और फिर फरमाया ये इंसान है और ये उसकी मौत है जो उसे घेरे हुए है और ये जो बीच का खत बाहर निकला हुआ ये उसकी उम्मीद है यानी स्क्वायर से बाहर जो निकला हुआ है और ये जो छोटे छोटे खत उसके ऊपर है उस लकीर के ऊपर ये उसकी दुनियावी मुश्किलात है यानी स्क्वायर है दरमियान में एक लकीर है जो स्क्वायर से बाहर निकल रही है उस लकीर के ऊपर छोटे छोटे ऑपोजिट साइड पर खत लग यानी के लकीरें लगी हुई हैं और ये उसकी मुश्किलात यानी इंसान यूं जा रहा है तो फिर एक रुकावट आती फिर उसको पार करता फिर अगली आ जाती फिर अगली फिर अगली फिर अगली, अगली मौत तक यही होता है लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं हारता वो चाहता है कि लंबी उम्र जिए और उस चौकड़े से बाहर भी उसकी उम्मीदें जा रही हैं बस जब इंसान एक मुश्किल से बचकर निकलता है तो दूसरी में फंस जाता है और दूसरे से निकलता है तो तीसरी में फंस जाता है बिन अब्दुल्ला शखीर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम की शक्ल सूरत यूं दिखाई गई है कि उसके आस पास नन्यावे मौतें हैं यानि नानवे नाइनटी नाइन हादसा और मुसीबतें उसके आस पास हैं अल्लाह उसको बचाए रखता है और जब मौत का वक्त आता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो मौतें उससे ख़ता कर भी जाएं तो वो इंतहाई दर्जे के बुढ़ापे का शिकार हो, होता है कि मर जाता है मौत का वक्त और जगह भी मुकर है वमा मकान अली नफसिन तबूत अला बदन किताब अजला और किसी जान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह के हुक्म अल्ला के, के बगैर मर जाए लिखे हुए के मुताबिक जिसका वक्त मुकर है नाह में आता है जा ला ला फिर जब उसका वक्त आ जाएगा तो एक घड़ी ना पीछे रह सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं जिस वक्त दम निकलना है उसी वक्त निकलेगा मतर बिन उकामिस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी ख़ास जगह में किसी को मौत देने का फ़ैसला कर दिया जाता है तो वो जगह उसके लिए महबूब बना दी जाती है और वहां उसकी कोई ज़रूरत पैदा कर दी जाती है और फिर इंसान क्या करता है हम देखते हैं हमारा हम मुशाह है कि इंसान उस जगह पहुंच जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वैसे बीमारी कोई आ जाती है और फिर वो मौत आ जाती है वो तो एक बहाना होता है लेकिन यह कि इंसान यानी जो तकलीफ़ आनी है इंसान को पता भी नहीं चलता और इंसान से वही गलती होती है जिससे वो अरसे दराज से बच रहा होता है कितनी बीमारियां अचानक हमला करती हैं फिर इंसान कहता है ये फला चीज़ खा ली फला काम कर लिया फला वजह बन गई लेकिन ये सब बहाने हैं असल तो यह है कि मौत का वक्त और जगह मुकर है मौत सबसे खौफनाक मुसीबत है शद्दाद बिन औस कहते हैं कि मोमिन के लिए मौत दुनिया और आखिरत की सबसे ज़्यादा खौफनाक और हौलनाक मुसीबत है और ये हांडियों के जोश खाने से ज़्यादा शदीद है अगर किसी मैत को क़बर से ज़िंदा कर दिया जाए और वो कबर से उठ खड़ा हो और वो दुनिया वालों को मौत की हकीक़त बताए तो वो ज़िंदगी से फ़ायदा ना उठा सकें ना नींद की लज्जत हासिल कर सकें यानी अगर मरने वाला ये बताए कि कैसी कैसी तकलीफ होती है तो दुनिया की जितनी भी इंजॉयमेंट्स हैं जीने वालों की सब खत्म हो जाए मौत के वक्त तीन मुसीबतें होती हैं नंबर एक रूह खींचने की सख्ती जिसम के रूए रूए से रूह निकलती है नंबर दो मौत के फरिश्ते की सूरत को देखना और वो खौफ जो उस फरिश्ते को देख कर पैदा होता है यानी जब फरिश्ता सामने आ जाता है जान निकालने के लिए तो उसे देख के इंसान डर जाता है नंबर तीन उन दो फरिश्तों को देखना जो हिफाजत पर मामूर है वो भी उस वक्त नज़र आते हैं तो इंसान के लिए चूंकि पहला एक्सपीरियंस होता है फरिश्तों को देखने का आख़रत में तो देखेंगे ही लेकिन मौत पहला इंसिडेंट होता है जिसमें इंसान फ़रिश्तों को अपनी नेके आइज के साथ देख नेके आइज के साथ देखता है तो ये उसके लिए बहुत शॉकिंग होता है और उसको खौफ दिलाता है फिर मौत की कैफियत में पिंडली पिंडली से जुड़ जाती है कुरान मजीद में आता है कल्ला इज़ा बल तराकिया वकील अमर्राक़ व अनना हलफराक़ वलतफ़साख़स्बिक योम ईद नमसाख हरगज़ नहीं वो वक्त याद करो जब जान हंसलियों तक पहुँच जाएगी और कहा जाएगा है कोई जो दम करे यानी जान हलक तक पहुँच जाएगी तो इंसान कहेगा है कोई दम करे क्योंकि गले में अटक रहा है कुछ और वो यकीन कर लेगा कि यकीनन ये जुदाई है यानी दम घुट रहा है तो अब मरने का ही वक्त आ गया है और पिंडली पिंडली के साथ लिपट जाएगी उठाने की हिम्मत ही नहीं होगी इधर उधर हो ही नहीं सकेगा इंसान अब टांगें ही जुड़ जाएगी उस दिन तेरे रब ही की तरफ रवानगी है जान पाँव से निकलना शुरू होती है फिर आहस्ता आहिस्ता पिंडलियों में आती है फिर घुटनों में फिर पेट में इस तरह हाथों से बाजुओं और पाँव और बाजुओं दोनों की तरफ से हाथों की तरफ से अबिल आखिर उसके गले में आके अटक जाती है और फिर वहाँ से एकदम निकल जाती है फ़लौला इज़ा वलहक़ूम व अन तुम ही न इज़न तम झुर व नहन अक्रब इन कुम वला तुब सुरून फ़लौलाक तुम गई रमदीन तर्जों नहान तुम सादिन फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब जान हंसली को पहुँच जाती है और उस वक्त तुम देख रहे होते हो और हम उस वक्त तुमसे भी ज़्यादा उस जान के नज़दीक होते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते फिर अगर तुम किसी के महकूम नहीं यानी किसी का तुम पे हुक्म नहीं चलता तुम अपनी मर्जी के खुद ही मालिक हो अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो उस जान को लौटा क्यों नहीं लेते यानी अगर तुम्हारी काबिलियत इतनी ज़्यादा है और अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हो तो फिर अपनी रूह को वापस ले आओ दोबारा ज़िंदा ज़िंदा हो जाओ लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं फिर तो ये भी याद रहे कि मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं जान निकालने के लिए जान ऐसे नहीं कि उड़ के कहीं चली जाती रूह हमारी बल्कि बाकायदा फरिश्ते उसको वसूल करते हैं कुरान मजीद में, में आता है काश तुम देखते जालिम लोग मौत की सख्ती में जब होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं कहते हैं निकालो अपनी जानें आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा उसके बदले जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और तुम उसकी आयात से तकब्बर करते थे फिर इसी तरह यह है कि मौत किसी की भी हो किसी की भी मौत की खबर सुनते हैं तो इंसान घबरा उठता है उसका दिल छोटा होता है लेकिन इंसान इससे बच नहीं सकता मौत का वक्त एक तकलीफ़ का वक्त है शद्दाद बिन ओस कहते हैं कि मौत दुनिया और आखिरत में मोमिनों पर बहुत होलनाक मुसीबत है मोमिनों पर मौत आरियो के चीरने से भी ज़्यादा सख्त है कि जैसे किसी का जिसम काटा जा रहा हो कैंचियों के काटने से भी ज़्यादा शदीद है आंडियों में किसी चीज़ के जोश खाने से भी ज़्यादा सख्त है अगर किसी आदमी को दोबारा ज़िंदा किया जाए फिर वो दुनिया वालों को मौत की तकलीफ़ के बारे में बता दे तो लोग अपनी जिंदगियों से फ़ायदा ना उठा सकें और ना नींद की लज्जत हासिल कर सकें साद ने अवाना बिन हकम से मर, रिवायत करते हुए अपनी किताब में बयान किया है वो कहते हैं कि अमर अब्न लास कहा करते थे कि मुझे ताजुब है उस शख्स पर जिस पर मौत नाजिल हो जाए और उसकी अकल भी काम कर रही हो तो वो उसको बयान क्यों नहीं करता फिर जब इन पर मौत वाकई हुई तो इनके बेटे अब्दुल्ला ने कहा अब्बा जान आप कहा करते थे ताजुब है उस आदमी पर जिस पर मौत नाजिल हो और उसकी अकल भी काम कर रही हो तो वो मौत की हकीकत क्यों नहीं बताता बस आप हमारे लिए मौत की हकीकत को बताइए उन्होंने कहा अः बेटे मौत इससे बड़ी है कि इसको बयान किया जाए लेकिन मैं मौत का कुछ हाल बयान करता हूँ मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी गर्दन पर रिजवा पहाड़ रखा हुआ है मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पेट में कांटे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है गोया कि मेरी रूह सुई के सुराख से निकल रही है यानी इतनी थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकल रही है बहरहाल हर इंसान को मौत की सख्ती लाक होती है लेकिन हर इंसान की शिद मौत की शिद्दत और मौत की सख्ती के हल्का होने में फ़र्क होता है और अक्सर ऐसा होता है कि मोमिनों पर यह सख्तियाँ हल्की होती हैं काफरों पर शदीद होती हैं अम्बिया के लिए मौत की सख्तियों को बढ़ा दिया जाता है ताकि लिए ताकि उनके लिए उनका अजर बढ़ाया जा सके परहेजगारों और बदबकतों और नेक और बुरे आदमी के दरमियान मौत के वक्त फ़र्क होता है हम कहते हैं कि दोनों बराबर नहीं हैं काफिर और फाजर और मौत की सख्ती बहुत ज़्यादा झीलते हैं जबकि मोमिन पर इतनी सख्ती नहीं होती तो रूह निकलने के साथ साथ उसकी रगे और आसाब टुकड़े टुकड़े होते रहते हैं तो ये एक चीज़ है और दूसरी चीज़ यह है कि काफिर और फाजर की मौत की सख्तियाँ आजमाइश और नाराज़गी और शिद्दत और अजाब और उबरत हैं और जहाँ तक मोमिन परहेजगार का ताल्लुक है तो यह अल्लाह का अतिया और नेमत और रहमत है कि इस सख्ती की वजह से गुनाह मिटा दिए जाते हैं या उसके दर्जा बुलंद कर दिए जाते हैं मोमिन को तो एक कांटा भी चुभे तो उसको उसके गुनाह माफ होते हैं जकवान कहते हैं कि ताशा कहा करती थी वक, वफात के वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बड़ा प्याला था या चमड़े की थैली थी जिसमें पानी था आप अपने दोनों हाथ इस बर्तन में डालते और फिर अपने हाथों को अपने चेहरे पर मलते और फरमाते इल्लल्लाह ला यकीन मौत में सख्ती होती है फिर अपना हाथ उठाकर फरमाने लगे फिर रफीक़ अल आला यहाँ तक कि आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और आपका हाथ झुक गया मौत की शिद्दत को बुरा नहीं समझना चाहिए नहीं अगर आप देखें कि कोई मरीज है जिसके ऊपर बहुत वक्त लग गया है उसको इस स्ट्रगल में तो उसको बुरा ना समझे कि ज़रूर ये कोई बुरा आदमी होगा तो इस वजह से इसके साथ ये हो रहा है हर एक का एक्सपीरियंस मख्तलिफ हो सकता है हजरत आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आप मेरी हंसली और ठोड़ी के दरमियान सर रखे हुए थे जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की सख्ती देखी है उसके बाद मैं मौत की सख्ती को किसी के लिए बुरा नहीं समझती यानी आप तो सबसे ज़्यादा नेक इंसान थे लेकिन मौत की तकलीफ से गुजरे तो दूसरे अगर किसी और पर भी ये तकलीफ़ आती है तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़रूर वो कोई बुरा आदमी है तो इसलिए उसको ज़्यादा तकलीफ आ रही है अब सवाल ये पैदा होता है कि मौत की सख्ती का सबब क्या है इन इतनी शदीद क्यों है इबन हजर कहते हैं कि मौत की सख्ती मरतबे के कम होने पर दलालत नहीं करती बल्कि वो मोमिन के लिए या तो उसकी नेकियों में इजाफा करती है या उसके गुनाहों का गफारा होती है और इंसान जब अल्लाह के पास पहुंचता है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर जैदबिन अपने वाले से रिवायत करते हुए कहते हैं कि जब मोमिन के दर्जात में से कुछ बाकी रह जाता है यानी उसने उन दर्जों तक पहुँचना है अल्लाह ने बड़ा हाई रैंक उसके लिए लिखा है और वो अपने अमल के जरिए जन्नत के उस दर्जे तक नहीं पहुँच पाता तो उस पर मौत की सख्ती को बढ़ा दिया जाता है ताकि वह मौत की सख्तियों और उसकी मुसीबत की वजह से जन्नत के उस दर्जे तक पहुँच जाए मोमिन की मौत का मंजर कुछ ऐसा है कि अल्लाह ताला मोमिन को मौत की तकलीफ़ देना पसंद नहीं करता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला फरमाता है मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना तरद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है वो मौत को तकलीफ की वजह से नापसंद करता है और मैं भी उसे तकलीफ़ देना नापसंद करता हूँ मोमिन मौत के वक्त अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है यानी अल्लाह से नाराज़ नहीं होता रा बिन हानी कहते हैं मैं आयशा रहा की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने, मैंने अबू हुरारा से सुना वो हदीस रिवायत करते हैं अगर वाक़ता ऐसा ही है तो हम तो हलाक हो जाएंगे तो उन्होंने कहा जो रसोलम के कौल से हलाक हो गया वह वाक़ता हलाक होने वाला है वो हदीस क्या है उन्होंने कहा कि रसोल स फरमाया जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करे अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है और जो अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करे अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है हालांकि हम में से हर एक मौत को नापसंद करता है तो आयशा रज़ील तहा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया था लेकिन इसका मतलब वो नहीं जिसकी तरफ तुम चले गए हो बल्कि जब आँख फट जाती है सीने में गड़गड़ाहट पैदा हो जाती है रोंगटे खड़े हो जाते हैं उंगलियाँ अकड़ जाती हैं बस इस मौके पर जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करे अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है और जो अल्लाह से मुलाकात करने को ना पसंद करे अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को ना पसंद करता है यानी वो जो मौत की शिद्दत का वक्त है उस वक्त अल्लाह से बदगुमान नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक दिल में पैदा होना चाहिए अल्लाह ताला हमें वो अता करे जब हम मरे मोमिन की जान जब उसके पहलुओं से निकल रही होती है तो भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन मोमिन के हर हाल में खैर है उसकी जान उसके दो पहलुओं से निकल रही होती है और वो अल्लाह व जल्ला की तारीफ़ कर रहा होता है हसन बसरी कहते हैं मोमिन के लिए राहत सिर्फ़ अल्लाह की मुलाकात में ही है और जिसकी राहत अल्लाह की मुलाकात में हो तो उसकी मौत का दिन उसके लिए मुसरत और खुशी और अमन और इज्जत और शरफ का दिन होगा अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, बेशक मोमिन की रूह पसीने से निकलती है जबकि काफिर की रूह उसकी बात से निकलती है जैसे गधे की रूह मरते ही सलामती और जन्नत की बशारत मिल जाती है सलाम उदखल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून वो लोग जो पाक सीरत होते हैं फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने आते हैं तो कहते हैं तुम पर सलाम हो जो अच्छे अमल तुम करते रहे हो उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ सूरत अलफजर में आता है या अय्य तोहनब सुलमुतम इन्ह इजी अला रब तम दिया फ़ी इबादी वद खुली जन्नति फिर यह के मोमिन अच्छे तरीके से दुनिया से रुखसत होता है फ अम्मा अगर वो मुकर्रबीन में से हो मुकर्रब बंदों में से तो उसके लिए राहत और उमदा रिस्क और नेमत वाली जन्नत है आगे और लेकिन अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो तुझ पर सलाम के तू दाएं हाथ वालों में से है ये फ़र्क है मुकर्रबीन टॉप क्लास और सेकंड क्लास का फिर इसी तरह मोमिन का आगे भी बेहतरीन इस्तेबाल होता है वर अब्न आजिब कहते हैं कि नबी वसल्लम ने फरमाया बेशक मोमिन बंदा जब दुनिया से रुखत होने और आखरत के जाने के करीब होता है तो उसकी तरफ आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं गोया कि उनके चेहरे सूरज की तरह हों उनके पास जन्नत के कफनों में से एक कफ़न और जन्नत की हनूत यानी खुशबू में से एक खुशबू होती है यहाँ तक वो उसको हदह तक यहाँ तक उसकी हदगा तक बैठ जाते हैं फिर आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं नफसुल जी उखरुजी विदवान ए पाकिजा नफ्स अल्लाह की मफफरत और रजामंदी की तरफ निकलो चनाचे उसकी रूह बहकर इस तरह निकल जाती है जैसे मशकीजे के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है फिर मौत उसे पकड़ लेते हैं और जब वो उसे पकड़ लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते पलक झपकने की मकदार भी उसकी रूह को मौत के हाथ में नहीं रहने देते बल्कि उनसे लेकर उसे कफन में लपेट कर अपनी लाई हुई हनूत मल देते हैं खुशबू मलते हैं और उसके जिसम से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे बहुत ही ज्यादा महकने वाली कस्तूरी की खुशबू जो रूह ज़मीन पर पाई गई हो फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं इसके बारे में एक नर्स ने मुझे बताया था कि इतने तीस पैंतीस साल का शायद उसका एक्सपीरियंस था ऐसे लोगों के साथ यानी जो बिल्कुल मरने के करीब होते हैं वो कहती है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब एक मुर्दे की जान निकली एक शख्स की तो पूरा कमरा खुशबू से भर गया और तकरीबन पंद्रह मिनट तक वो खुशबू वहाँ रही उसके बाद ख़त्म हो गई तो डॉक्टर्स भी थे और लोग यानी सभी इस बात की गवाही दे रहे थे कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है मालूम नहीं उस शख्स का क्या नेक अमल होगा जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको चुन लिया फिर आसमान का सफ़र होता है यानी जब रूह फरिश्ते अपना कफ़न लेकर आते हैं रूह निकाल के कफ़न में लपेट के ऊपर चलते हैं ऊपर चले जाते हैं बरा इब्ने आजब कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और फरिश्तों के जिस ग्रोह पर भी उनका गुजर होता है वो पूछता है माँ हाजर रूह तैयब ये कौन सी पाकिजा रूह है ये पाक रूह कौन है वो जवाब में कहते हैं फलां बिन फलां उसका बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग उसे पुकारते थे हती कि उसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं वो उसके लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो हर आसमान के मुकर्रब फ़रिश्ते उसके साथ साथ चलते हैं आसमान की तरफ जो उसके बाद आता है इस तरह और इस तरह उसे सातवें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है आसमान वाले नेक रूह को मुसलसल बरहबा कहते हैं वेलकम वेलकम अबू अबूर से मरवी है फरमाया फरिश्ते मोमिन की रूह को आसमान की तरफ चढ़ा ले जाते हैं फिर उसके लिए आसमान का दरवाजा खुलता है पूछा जाता है ये कौन है कहा जाता है फुला शख्स है वो कहते हैं पाक नफ्स को जो पाक बदन में थी दाखिल हो जाओ ए काबिल तारीफ़ और ख़ुश हो जाओ अल्लाह की रहमत और ख़ुशबू से और उस रब से जो तुझ पर नाराज़ नहीं पिला शुबा बराबर उसे यही कहा जाता है यहाँ तक कि रूह आसमान तक पहुँच जाती है जहाँ अल्लाह अजा वजल्ला है क्या मक़ाम है क्या दर्जा है फिर जिसम जो होता है वो कबर में दफना दिया जाता है रूह को आसमान से फिर हिसाब किताब के लिए दोबारा क़बर तक लाया जाता है एक दफा वहां पहुंच के फिर वो जमीन पर आती है बरा अपने आजम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रूह को सातवें आसमान तक ले जाया जा ले जाया जाता है तो अल्लाह जब्ला फरमाता है मेरे बंदे का नाम है आमाल में लिख दो और इसे वापस जमीन की तरफ ले जाओ क्योंकि मैंने अपने बंदों को जमीन की मट्टी से पैदा किया उसी में लौटाऊंगा और उसी से दोबारा निकालूंगा चनाचे उसकी रूह जिसम में वापस लौटा दी जाती है हाँ शहीद की रूह जो है वो जन्नत के बागों में खाती पीती रहती है मोमिन मैयत का जल्द कबर की तरफ जाने की ख्वाहिश करना अब सैद खुदरी कहते हैं कि नबी वसल्लम फरमाया करते थे कि जब जनाजा रखा जाता है फिर लोग उसे कांधों पर उठाते हैं उस वक्त अगर मरने वाला नेक होता है तो कहता है कद दिमुनी मुझे जल्दी ले चलो मुझे जल्दी ले चलो यानी मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचाओ दफनाए जाने के बाद भी बाहर वालों के कदमों की चाप सुनती है मैय अनस रही से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आदमी जब कब्र में रखा जाता है और दफन करके उसके साथ ही पीठ मोड़ कर रुख्सत होते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ भी सुनता है क्योंकि जब बाय दैट टाइम रूह वापस आ चुकी होती है कब्र की ज़िंदगी कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है हजरत उस्मान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कबर आख़रत की पहली मंजिल है अगर वहाँ निजात मिल गई तो उसके बाद सारे मराहल आसान हो जाएंगी और अगर वहाँ निजात ना मिली तो उसके बाद सारे मनाजिर मराहल दुशवार हो जाएंगे और रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम मैंने जितने मंज़र देखे हैं कबर का मंज़र उन सब से ज़्यादा हौलनाक है फिर क़बर के अंदर सवाल किए जाते हैं मरने वाला कहता है मुझे छोड़ दो मैं नमाज पढ़ लूं, यहाँ बैठो मैं नमाज पढ़ के आता हूँ यकीन अगर तुम ऐसा करोगे पहले हमें इसके बारे में ख़बर दो जिसके बारे में हम तुमसे सवाल कर रहे हैं वो कहते हैं कि ठहर जाओ तुम जाओगे लेकिन पहले हमारे सवालों का जवाब दो कबर के सवाल और मोमिन जो हैं उनके लिए तो आसान है लेकिन मोमिन के लिए वो सवाल बहुत मुश्किल हैं आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग वापस चले जाते हैं निमैयत को दफना कर तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है जबकि उससे पूछा जा रहा होता है ए फलाँ तेरा रब कौन है तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है फरमाया उसके पास दो फरिश्ते आते हैं उसे बिठा देते हैं और कहते हैं मन रबुक तुम्हारा रब कौन है वो कहता रबी अल्लाह फिर पूछते हैं माँ दीनुक तुम्हारा दीन क्या है वो कहता है दीन इस्लाम मेरा दिन इस्लाम है वो पूछते हैं माँ हाजर रजुल रजुलज़ी बाफ़ीकू बफ़ीको ये कौन आदमी है जो तुम्हें मबूस किया गया था वो कहता है हो व रसूल सल्लासम वो अल्लाह के रसूल हैं फिर वो कहते हैं वमायू ददी का तुझे ये बातें कहाँ से पता चली तो किताब अल्ला ही वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी व आवन तो भी ही उस पर ईमान लाया यानी पढ़ लिख कर उसने ईमान कबूल किया कितना ज़रूरी है पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है सोच समझ के ज़िंदगी बसर करना यही सवाल जवाब अल्लाह के इस फरमान के मिसाक हैं युसभ बतुल्लाजीना आ मनु मिन को युसफ बित्लाजीना आ मनु अल्लाह ईमान वालों को साबित कदमी अता करेगा फरमाया फिर आसमान से मुनादी करने वाला आवाज़ लगाता है अब दी वफ़्रिशूह हु मिन मिनल जन्ना वफ़ तहू लहू बान जन्ना बस व अलबिस मिनल जन्ना तहक मेरे बंदे ने सच कहा इसे जन्नत का बिस्तर बिछा दो इसको जन्नत का लिबास पहना दो इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो कबर में नेक नेकमाल मोमिन की हिफाजत करते हैं अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैय को जब उसकी कबर में रख दिया जाता है तो वो उस उनके पलट जाने के वक्त उनकी जूतों की आवाज़ सुनते हैं अगर वो मोमिन होता है तो नमाज उसके सरहाने होती है रोज़ा उसके दाएँ जानब होता है जक़़ात उसकी बाएँ जानब होती है दीगर नेक काम सदका सिला रहमी नेकी और लोगों से एहसान उसके पाँव की तरफ आ जाते हैं अगर उसके सराहने की तरफ से आ जाता तो नमाज कहती है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं और उसके फिर उसके दाएँ जानब से आ जाता है तो रोज़ा कहता है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं फिर उसके बाएँ जानब से आया जाता है तो दीगर नेकी नेक काम सदका सिल रहमी नेकी लोगों से एहसान उसके दो, दोनों पाँव होते हैं फिर उस तरफ से आता है तो ज़क़ात बाएं तरफ होती है और यह सदका का सारा कुछ पाँव की तरफ होता है फिर उसके सरहाने की तरफ से आया जाता है तो नमाज कहती है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं तरफ दाएं तरफ से रोज़ा कहता है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं बाएं तरफ से ज़कवात कहती है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं फिर उसके दोनों पाँव की तरफ से आया जाता है फिर नेकाल फिर नेक सिला सदका सिला रहमी नेकी और लोगों से अच्छा सलूक कहते हैं कि मेरी तरफ़ आने का रास्ता नहीं यानी वहाँ से वो गुजरने नहीं देते किसी भी अजाब या किसी भी बला को तबरानी की रिवायत में है आदमी के पास उसकी कब्र में आया जाता है फिर जब उसके सराहने की जानब आया जाता है तो उसको कुरान की तिलावत धकेल देती है जब उसके दोनों हाथों की तरफ आया जाता है तो उसको सदका धकेल देता है क्योंकि हाथ से इंसान सदका करता रहा था और जब उसके पाओ की जानबाया जाता है तो उसका उसका मस्जिदों की तरफ निकलना जाना उस अजाब को धकेल देता है नेक नेकमाल कबर की तन्हाई दूर कर देते हैं क्योंकि बरा अबिन आजब की रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबर में मोमिन के पास एक खूबसूरत लिबास और इंतहाई उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और उसे कहता है अब शर खुशखबरी हो खुशखबरी पाओ जो तुम्हें खुश करेगी ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था वो उससे पूछता है तुम कौन हो तुम्हारा चेहरा ही खैर का पता बता रहा है वो जवाब देता है अना अमल तुम्हारा नेक अमल हूं इस पर वो कहता है मेरे रब क़्यामत अभी कायम कर दे ताकि मैं अपने घर वालों और माल में वापस लौट जाऊं तो नेक नेकमाल जो इखलास के साथ किए हुए हों कितने ज़रूरी हैं वही साथ जाने हैं बाकी तो आल औलाद और माल जो है वो वापस पीछे ही रह जाता है लेकिन हमारा ज़्यादा वक्त माल और औलाद और आ, आ, इन चीजों में लगता है जबकि नेक नेकाल के लिए हम उस तरह वक्त नहीं निकालते जिस तरह निकालना चाहिए मोमिन के लिए कब्र रोशन और वसी हो जाती है चौदह के चांद की तरह की रोशनी कर दी जाती है सत्तर हाथ कुशाद सत्तर हाथ कब्र कुशादा कर दी जाती है उस पर सब्जे से भर दी जाती है उस दिन तक के लिए जब वो उठाए जाएंगे सुबह शाम जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है जन्नत का दरवाजा खोला जाता है जिससे उसकी खुशी और सुरू में इजाफा हो जाता है जन्नत का खाना भी मिलता है जो नेक लोग होते हैं यानी जितने ज़्यादा अल्लाह के फरमा बरदार और नेक आमाल वाले उनकी उतना ही एजाज़ और तकरीम, वो घर वालों को तमन घर वालों को ख़बर देने की तमन्ना करता है कि मेरे पीछे वालों को बता दिया जाए मोमिन को सुकून की नींद से सुला दिया जाता है लेकिन गैर मोमिन की मौत का मंजर बहुत ही हौलनाक है अगर मरते वक्त उसकी सज़ाएँ क्या होती हैं अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हो तो खोलता हुआ पानी उसकी मेहमानी होगी और वह दोज में धकेल दिया जाएगा ये सूरत अलवा में आता है फरिश्ते जो आते हैं उन लोगों के पास जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो वो हथियार डाल देते हैं कहते हैं हम तो बुरे काम नहीं कर रहे थे फरिश्ते कहते हैं क्यों नहीं जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह यकीन उसे खूब जानता है अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ तुम हमेशा यहाँ रहोगे गर्ज़ तकबर करने वालों का अंजाम बहुत बुरा है फिर एक और हद ये सूरत नाहल की आयतों का तर्जमा था अलफाल में आता है काश आप उस वक्त देखते जब फरिश्ते उन मकतूल रूह काफरों की रूहें कब्ज़ कर रहे थे तो उनके चेहरे और उनकी पुश्तों पर जरबे लगा रहे थे मार रहे थे उनको कह रहे थे अब जलाने वाले अजाब का मजा चखो काफिर की रूह लेने के लिए स्या चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं जिनके पास टाट होते हैं और फिर वो जब जान निकाल लेते हैं जान निकालने लगते हैं तो रूह दौड़ने लगती है अंदर मौत उसे इस तरह खींचते हैं जैसे गीली ऊन से सीख खींची जाती है फिर उसको पकड़ लेते हैं और एक लम्हे के लिए भी उसको नहीं छोड़ते और उस टाट में लपेट के ले जाते हैं काफिर अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करता मुसलसल अजाबी की खबर उसको मिलती रहती है खबीस रूह से इंतहाई बदबू उठती है आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते आसमान से जीन में गिरा दिया जाता है फरिश्तों के जिस ग्रोह के पास से गुजर होता है वही ग्रोह कहता है माँ हाजर ये खबीस रूह किसकी है तो फरिश्ते उसको जो उठाए हुए होते हैं उसका बदतरीन नाम बताते हैं जो दुनिया में उसका कोई लेता होगा फिर अगर मरने वाला नेक नहीं होता तो कबर में जाने की तमन्ना नहीं करता वो कहता हाय मेरी बर्बादी तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो कबर में सवाल जवाब के वक्त खौफ की हालत में उठता है और फिर हा हा ला अदरी कह के जवाब देता है उसके जवाब की तकजीब करने से जहन्नम से लिबास और बिस्तर आता है उसके जवाब पर आसमान से एक मुनादी आवाज लगाता है कि इसने झूठ बोला इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो इसको आग का लिबास पहना दो उसके आमाल इंतहाई कभी शक्ल में आ जाते हैं बदसूरत आदमी की शक्ल में गंदे कपड़े पहनकर जिससे बदबू आ रही होती है तो पूछता तू कौन है तेरे चेहरे से शर की खबर मालूम होती है वो जवाब देता है, मैं तेरा गंदा अमल हूँ वो कहता है मेरे रब की आमद को कायम ना कर फिर कब्र में इंतहाई हैबतनाक साथी होता है इन खबीस अमल जो है वो उसके लिए मुसलसल तकलीफ का बायस होता है फिर वहाँ अंधा बहरा फरिश्ता मुकर कर दिया जाता है जिसके पास लोहे का एक गुर्ज होता है अगर वो पहाड़ पर दे मारे तो वो रेजा रेजा हो जाए उसको मीशत और धन का उसका सामना करना पड़ता है फिर कब्र में किसी कोई अमल मौजूद नहीं होता हसरत के लिए जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है और कब्र में उसको नींद की सी कैफ़ियत होती है लेकिन साथ बिच्छू सांप वगैरह काटते रहते हैं तो कहा जाता है मनहूस की सी नींद जा फिर अच्छा मौत जो है वो ख़ात्मे का नाम है और अच्छा ख़ात्मा सिर्फ़ ये नहीं कि इंसान इस हाल में मरे जब इंसान मस्जिद में हो या जाय पे हो या कुरान सामने हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर फौत हुए अबू बकर अपने बिस्तर पर फौत हुए फिर इसी तरह यह है कि इंसान अच्छा ख़ात्मा इंसान का यह है कि इंसान किताब व सुन्नत पर हो तमाम चीज़ों पर ईमान रखे जो ईमान लाने वाली हैं और हर उस चीज़ से बचे जिससे बचना ज़रूरी है हम इंसान हैं कमज़ोर हैं हमसे गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन बार बार पलट आना चाहिए ताकि हमें मौत से पहले इताअत की तौफीक मिल जाए हुसन खात्मा असल में क्या है वो ये है कि बंदे को मौत से पहले उसकी तौफीक दे दी जाए कि वो हर उस अमल से दूर हो जाए जो रब ताला को नाराज करता है और गुनाहों और नाफ़रमानियों से तौबा की तौफीक मिल जाए तौहीद पर ख़ात्मा हो ला एला एला ला पर मौत मौत से पहले हिदायत मिल जाएन खात्मा के असबाब क्या हैंन खमा में अगर कोई चाहता है कि उसका ख़ात्मा अच्छा हो तो ज़िंदगी में अल्लाह की इताद पर कायम रहे और तकवा अपने अंदर पैदा करता रहे इस्लाम की हालत पर साबित कदम रहे इसकामत इख्तियार करे गुनाहों में तौबा तोबा में जल्दी करता है गिड़गिड़ा कर उसने खात्मा की दुआएं हम सबको करनी चाहिए और खसूस हम इस आखिरी अशरे में अपनी दुआ में ये बात ज़रूर याद रखें ज़ाहिर और बासर में अपनी असलाह की कोशिश करते रहना चाहिए क़ुरान से ताल्लुक़ मज़बूत कर लेना चाहिए अल्लाह से हुस्न जन रखना चाहिए कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए बुरा ख़ात्मा क्या है बुरा ख़ात्मा दो दर्जों पर है पहला मरतबा ये कि इंसान शक का शिकार हो जाए दूसरा मरतबा जो उससे कम दर्जे का है कि मौत के वक्त इंसान के दिल पर दुनिया के किसी काम की मोहब्बत या हराम ख्वाहिशात में से कोई ख्वाहिशालिब आ जाए और वो ख्वाहिश उसके दिल में मुतशक्कल होकर दिखाई दे बुरे खात्मे की वजूहत क्या होती हैं? अकीदे का बिगाड़ शर्क़ पे खात्मा होना इस्तकाम होना अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना दीन से फिर जाना अल्लाह की नाराज़गी के काम करना नाफरमानियों में लगे रहना रातों को अल्लाह की नाफ़रमानी में गुजारते हुए मौत आ जाना अल्लाह के हराम करदा अमूर की का इरतक करना दुनिया में ही मगन हो जाना खुदकुशी कर लेना झूठे इल्जाम लगाना लोगों को गुमराह करना हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा अंजाम अच्छा करे फात वल वाति अंत वली फि दुनिया व आखिर तवफा व वलकनी बलिन किसी की मौत हो जाए तो उसके लिए दुआ करना बुरी मौत से पनाह मांगना चाहिए बुरी बीमारियों से भी पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह की राह में शहादत की दुआ शहद अल्लाह उमर अल, जुक्नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजल मोती फ़ी बलद रसूलिकलील्लाम नेक लोगों के साथ फौत होने की दुआ करनी चाहिए नेक लोगों के साथ मिलने की दुआ करनी चाहिए रफ़ी के आला से मिलने की दुआ करनी चाहिए अजाब कब्र से पनाह मांगना चाहिए मौत करने के काम यह है कि मौत से पहले पहले नेकियों से फ़ायदा उठा लें मौत की अमाम ज़ाहिर होने पर ईमान लाना फ़ायदा न देगा मौत से पहले तोबा कर लेनी चाहिए ज़िंदगी के आखिरी लम्हात के लिए भरपूर कमाई करनी चाहिए मौत से गाफिल नहीं होना चाहिए मौत का जिक्र करते रहना चाहिए इसमें गौर फिक्र करना चाहिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मौत के वक्त हसरत का बायस हो मौत को कसरत से याद करना चाहिए अपने मरने को करीब भी समझना चाहिए मौत कयामत और आखिरत से का कसरत से अपने बच्चों से घर वालों से तस्करा करते रहना चाहिए मौत को याद करने के फ़ायदे क्या होते हैं ये कि इंसान तौबा जल्दी करता है उसके दिल में कनात होती है उसकी इबादत में सरगर्मी होती है दुनिया की लज्जतों से दूर होता है ज़िंदगी का रुख बदल जाता है दूसरों की मुसीबतें भी हल्की लगती हैं फिर मौत को मौत को नापसंद नहीं करना चाहिए जिस अवल की वजह से मौत नापसंद हो उसको छोड़ दें जन्नत की फिक्र करें क्योंकि वहां मौत नहीं होगी मौत की तमन्ना करें और फिर मरने वालों को कलमे की तलकिन करें ला इलाहा अल्ला व आखरुदावाना अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता असत व अतूबु अतुबा